जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन आज पुंछ जिले के सूरनकोट तहसील मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी चौधरी शहनाज हुसैन के पक्ष में एक चुनावी विधानसभा का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस जनसभा को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के राहुल गांधी ने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार करते हुए कहा कि वह पूरे देश में नफरत की राजनीति करते हैं और पूरे देश में उन्होंने नफरत फैला रखी है। हमने उस नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोली है और प्यार से ही नफरत को हम खत्म करेंगे। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को उसका पुराना स्वरूप राज्य का दर्जा भी बहाल करवाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वह बात नहीं रही, हमने उनकी फिलॉसफी को निकाल दिया है। नरेंद्र मोदी ने अपना आत्मविश्वास खो दिया है और यह उनके चेहरे पर साफ झलक रहा है। हमने उनके मनोविज्ञान पर असर डाला और अब वह पहले जैसे नहीं रहे। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा ने पहाड़ी और गुज्जर समुदायों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की है और दावा किया कि पार्टी की यह कोशिश विफल हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि वे जहां भी जाते हैं जातियों, धर्मों, राज्यों और भाषाओं के बीच विभाजन पैदा करते हैं और संघर्ष भड़काने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि लोग जो भी चाहते हैं, जो भी काम वे उनसे करवाना चाहते हैं, वह संसद में किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए तैयार हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को केवल उन्हें निर्देश देने की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष को ताकत मिली है और वह सरकार के जन विरोधी कानूनों और नीतियों के खिलाफ एकजुट है। उन्होंने कहा कि भारत ब्लॉक ने नफरत या हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि उसने भाजपा के एजेंडे का मुकाबला प्रेम और करुणा से किया। राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों को अक्सर राज्य बना दिया जाता है या राज्यों को नए राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। हम चाहते थे कि चुनाव से पहले ये हो जाए। हमारी सोच थी कि चुनाव होने से पहले आपको स्केड्यूल मिल जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। चुनाव के बाद हम पूरा दबाव डालेंगे कि स्केड्यूल आपको मिल जाए। भाई और बहनों, ये बांटने का काम भी करते हैं। जहां भी जाते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक भाषा को दूसरी भाषा से, ये बांटते हैं और लड़ाने की कोशिश करते हैं। और यही काम इन्होंने यहां किया। हमारे जो पहाड़ी भाई हैं और गुजर भाई हैं, उनको एक दूसरे से इन्होंने लड़ाने की कोशिश की। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि इनका जो प्रोजेक्ट है ये फेल होगा। हम सबको एक साथ। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।